नमस्कार दोस्तों, हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, आज के लिए वीडियो आपके लिए खास है, जो किस प्रकार से अपने लाभार्थी को बढ़ा सकते हैं और दूसरे के आईडी पर से आप किस प्रकार से अपने आईडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए ध्यान से कि किस प्रकार से हम अपने आईडी पर बढ़ाते हैं लाभार्थी को। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए ध्यान से और हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह से। तो हमारे सब्सक्राइब करने के लिए आप इस तरह से आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर दबाइए और चलिए दिखाते हैं कि किस प्रकार से वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ICDS ऑनलाइन लिखिए। तो ICDS ऑनलाइन लिखिए, लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इस टाइप से पेज खुलेगा और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे दिया गया है, इस पर यहाँ पे ये विवरण दिया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिंक है तो दूसरा पेज खुलने के लिए, तो आपको ये पे क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से फिर से आपको पेज दूसरा खुलेगा। इस प्रकार से खुलने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिया गया है लॉग इन, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉग इन पर क्लिक करना है। आपको लॉग इन पर क्लिक करना है। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लॉग इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑफिस लॉग इन, मतलब आपको ये ऑफिस वर्क के लिए भी लॉग इन होता है और जो यहाँ पे आंगनबाड़ी के लिए भी ये काम होता है। तो क्या करना है कि आपको आंगनबाड़ी है तो आपको यहाँ पे आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेना है। आप उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी दिया गया होगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डाल लेना है। जो आपका यूज़र आईडी होगा तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डाल लेना है और उसके बाद आपका ओटीपी मिला होगा तो आपको ओटीपी डाल लेना है और डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डाल लेना है। तो चलिए हम डालते हैं अपना आईडी। इस प्रकार से मेरा यूज़र आईडी डाल लिए। डालने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डाल लेना है। आपका जो ओटीपी होगा तो आपको वो ओटीपी आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चर डाल लेना है। जो आपका कैप्चर आएगा हमेशा चेंज होते रहेगा, कैप्चर डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह से आपको थोड़ा समय लेगा और थोड़ा इस प्रकार से आपको पेज खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे होम है और उसके बगल में एक्शन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा समय तक के आपको क्या करना है कि एक्शन पे दबा के रखना है। तो दबा के जैसे ही रखिएगा तो आपको इस तरह से आपको खुलेगा। तो क्या करना है कि आर यहाँ पर लिखाया हुआ है R1 बेनिफिशरी और यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखा हुआ है R2 अपडेट आंगनबाड़ी, तो आपको यही इस पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे अपडेट आंगनबाड़ी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ पे खुल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा समय ले लिया। और लेने के बाद आपको इस तरह से पेज आएगा आपको खुल के, तो आपको यहाँ पे दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र बदले। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल लेना है। मैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है। तो इस प्रकार से हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया और डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे यहाँ गेट डिटेल्स है तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है तो आपको दूसरा पेज खुलता है। तो इस तरह से मेरा पेज खुला और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे पत्नी का नाम और श्रेणी, यहाँ पे आधार नंबर भी शो कर रहा है। तो इस प्रकार से मेरा आधार नंबर शो कर रहा है लेकिन हम सिक्योरिटी के कारण हम इसको हाइड कर रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे जिला बताएगा और यहाँ पे जो परियोजना है वो कराएगा और यहाँ पे पंचायत बताएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पंचायत में होगा आपको पंचायत दिखाएगा, तो आपको जो पंचायत होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे जो पंचायत होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी चुने तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है जो पंचायत में घुसेगा, जितना पंचायत में आपको वार्ड नंबर रहेगा उस प्रकार से आपको यहाँ पे पंचायत दिखाएगा। तो आपको जो आपका जो आंगनबाड़ी होगा आपको उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे जैसे में हम क्लिक कर लिए इस टाइप से और आंगनबाड़ी हम चूज कर लिए। करने के बाद आपको थोड़ा समय लेगा, यहाँ पे बुफरिंग ले रहा है
तो इस तरह से थोड़ा सा समय लिया, और लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि विवरण सुरक्षा करें, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे विवरण सुरक्षा कर देना है। आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इस प्रकार से आपको हम यहाँ पे मैसेज दिखा दे रहे हैं कि डाटा सेव सक्सेसफुल्ली, इस तरह से आपको यहाँ पे मैसेज दिखा दिया। और दिखाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुल्ली का आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा। तो आपका आपको इस आंगनबाड़ी से आपको उस आंगनबाड़ी में आपको ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी प्रकार से आप अपना हर एक लाभार्थी को, अगर दूसरे के आईडी पर चला गया होगा तो उससे आपको बात करके आपको उस पर से ट्रांसफ़र करना होगा। इसी प्रकार से जो आपको इस प्रकार से हम आपको अपने वीडियो में दिखाए हैं कि जिसका आंगनबाड़ी होगा तो उसका आईडी खोलना है, खोलने के बाद आपको अपना आईडी पर ट्रांसफ़र करना होगा। आप जब तक न उसका आईडी खुलेगा तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मेरे को बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप, तो आपको नया नया वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू हमारे YouTube में बने रहे। के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।